तीन लड़के एक बलेनो कार में, उन्होंने संदिग्ध देखते हुए उनको जो है पूछताछ के क्रम में पता चला था कि इनके पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं, और रिकॉर्ड्स अपने आप में दिखने से ऐसा पता चल रहा था कि रिकॉर्ड्स जो हैं। सरकार नगर थाना अंतर्गत 90 फीट रोड में रोको टोको अभियान यानी कि सघन जांच अभियान गाड़ियों की चल रही थी शुक्रवार की देर रात को। उसी दरमियान एक बलेनो गाड़ी को शक के आधार पर पुलिस ने उसे रुकवाया। जब बलेनो कार रुकती है तब उसी वक्त एक व्यक्ति उसमें से फरार हो जाते हैं। आपको बता दें कि इसमें से कुल चार व्यक्ति सवार थे, जिसमें से तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन लोगों को गिरफ्तार इसलिए किया गया है क्योंकि यह परीक्षार्थी बिहार में जो सफल परीक्षाएं होती हैं उसमें स्कॉलर बैठाने का काम करते थे। आपको बता दें कि जो स्कॉलर बिहार में सेंधमारी का काम किया करते हैं वही वह गाड़ी है जो 90 फीट रोड से पुलिस ने बरामद किया है, और इसी बलेनो गाड़ी में वह युवक लोग सवार थे, और शक के आधार पर पुलिस ने इसी बलेनो गाड़ी से उन लोगों को धर दबोचा है। जाहिर सी बात है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में से सेंधमारी का काम किया करते थे, और इस गाड़ी में से ऐसे भी दस्तावेज हासिल किए गए हैं जिससे पुष्टि होती है कि वह लोग जो बिहार में परीक्षाएँ दी जाती है उसमें स्कॉलर बैठाने का काम किया करते थे, और जो जिन व्यक्तियों से पैसा वो लेते थे उनसे 50 से 1 लाख रुपए तक पास कराने का लिया करते थे। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर मनोरंजन सिटी SP संदीप सिंह क्या कुछ कर रहे हैं, जरा देखें। एक पत्रकार नगर थाना अध्यक्ष के द्वारा सूचना दी गई है कि तीन लड़के एक बलेनो कार में, उन्होंने संदिग्ध देखते हुए उनको जो है पूछताछ के क्रम में पता चला था कि इनके पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं, और रिकॉर्ड्स अपने आप में दिखने से ऐसा पता चल रहा था कि रिकॉर्ड्स जो हैं उसमें कुछ लेन देन के हिसाब किया हुआ है, प्लस जो है कुछ कैंडिडेट्स के जो है इनको डिटेल मिल रहे थे, जैसे CTET एग्ज़ाम एक है उसका। तो शक के संदेह पर जब इनको पकड़ा गया और पूछताछ की गई है तो इनके द्वारा जो है एक बड़े पैमाने पर एक कार्य किया जा रहा है नौकरी के नाम पे पैसे लेने वाला, वो उसका उजागर हुआ है। इसमें जो पूरा तथ्य अभी तक सामने आया है कि ये तीन लड़के हैं, एक का नाम है सतीश, एक का नाम है विकास और अभिषेक तीसरा है। ये इनमें से दो लड़के नवादा के रहने वाले हैं, विकास और अभिषेक, और एक लड़का जो सतीश है ये नालंदा का रहने वाला है। ये तीनों एक दूसरे को पूर्व से परिचित हैं। इनमें से दो लड़के स्टूडेंट्स जिनका कोई एग्ज़ाम देना होता है उनको तलब करते हैं, उनको कॉन्टैक्ट करते हैं, उनसे अपना वार्तालाप करके उनको भोले भाले लोगों को जो है फंसाते हैं कि आपकी जगह किसी और को एग्ज़ाम में बैठा देंगे। और जो इनके पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा बताया गया है कि 50,000 से लेके 1 लाख तक भी इन्होंने लोगों से पैसे लिए हुए हैं। उसके बाद जिनकी शक्ल मिलती होती है, कुछ जो है वो ऐसा गलत काम करते हैं, कोई फ़ोटो लैब वाले या जो फ़ोटो जिनका दुकान होता है तो वो फ़ोटो मिक्सिंग करवाते हैं, उनकी फ़ोटो मिक्सिंग करवा के एडमिट कार्ड से छेड़खानी करके ये लोग जो है जो कैंडिडेट है उसकी जगह किसी और को बिठा रहे हैं, और उसकी वजह से जो है बाद में जो दूसरा कैंडिडेट है वो एग्ज़ाम दे रहा है। तो इसका इन्होंने एक पूरा जैसे डिटेल में एक ऑर्गेनाइज रैकेट चलता है, ये बड़े दक्ष तरीके से उस टाइप का एक रैकेट चला रहे थे। इनके पास काफ़ी इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस मिला है, कुछ रिकॉर्ड्स मिले हैं जिसमें बैंक खातों के ट्रांजैक्शंस हैं, इवन UPI के माध्यम से ये लोग अब ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो ये पूरा इनका अभी तक का प्रकरण है। इसमें हम लोग जो व्यक्ति इन्वॉल्व हैं जिन्होंने इस जो गैर कानूनी तरीके से इन लोगों को संपर्क किया था या इस धंधे में और भी इन्वॉल्व हैं उनको धीरे धीरे हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। जो रिकॉर्ड्स जिनसे ट्रांजैक्शन हुए हैं वो ट्रांजैक्शन डिटेल्स जो भी संबंधित बैंक हैं उनसे प्राप्त करेंगे, और जो भी अगर तक कार्रवाई इसमें जो जो तथ्य आएंगे उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसमें और ज़्यादा अनुसंधान करके और जो जो अचीवमेंट होगी हम लोग प्राप्त करेंगे। सर, जो दो इन लोगों के पास से रजिस्टर बरामद हुआ है उस रजिस्टर में क्या है और क्या करोड़ों के ट्रांजैक्शन के उसमें जो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं और जो रजिस्टर्स में डिटेल्स हैं उनका अवलोकन हम लोग कर रहे हैं। ये ट्रांजैक्शन कितने अमाउंट से हैं और कितने टाइम
से ये लोग कर रहे हैं वो सभी बैंक डिटेल से हम लोग प्राप्त करेंगे। तो जैसे ही हमको बैंक से पता चल जाता है इसको हम कितने अमाउंट का रहा, कितने वॉल्यूम ट्रांजेक्शन्स के हैं, कितने इंटरलिंकिंग है, वो हम लोग डेवलप कर लेंगे। प्रारंभिक छानबीन में आपने जब रजिस्टर देखा तो उसमें कितने के लेन देन की? इनके पास एक रजिस्टर नहीं है, इनके पास कई ऐसे छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स या रजिस्टर्स हैं। तो चूंकि जैसे मैंने बताया कि जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है उसको अवलोकन करके डेवलप करना, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो जैसे हम लोग करेंगे उसमें कोई तथ्य आएंगे वील लेट यू नो। बिहार में ही ये एक्टिव थे या बाहर भी इनके? फिलहाल तो इन्होंने बिहार का ही बताया है। इसको और ज़्यादा अनुसंधान हम करेंगे तो अगर कुछ और साक्ष्य आएगा तो हम लोग शेयर करेंगे। किन किन एग्जामों में ये लोग सेटिंग करते हैं? फिलहाल तो देखिए जो इन्होंने अभी तक मेरे सामने आया है जितना हम लोग देखे हैं, एक सीटेट करके एग्जाम है अभी तक तो मैंने इसका देखा है। और भी कुछ हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्टर्स हैं, जैसे जैसे हम उनको खोलेंगे तो उनमें से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि कुछ और भी निकलेंगे जिनमें ये लोग एक की जगह दूसरे को इंपर्सनेट करके बिठा रहे हैं। पूछताछ अभी जारी है? हाँ बिल्कुल जारी है। कॉलेजों में एडमिशन का भी काम करते थे क्या? एक बंदे ने ये बताया है कि एक बंदा जो है जो एग्जामिनेशन के लिए बिठाता था वो उस जैसे इन्होंने डिवाइड किया हुआ था, एक आदमी जो है हायर करता है, एक आदमी जो है प्रलोभन देता है किसी को, एक आदमी इन्होंने रखा हुआ था कि एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करेगा, एग्जाम दिलवाएगा, इस टाइप से। तो बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से ये लोग काम कर रहे थे। अच्छा, इनके पास जो गाड़ी मिली उसमें पुलिस लिखा हुआ है, क्या किसी का संबंध पुलिस डिपार्टमेंट के किसी परिवार से लिया गया या पुलिस से बचने? प्रीलिमिनरी पूछताछ है। इसके एक व्यक्ति है जिसका नाम अभिषेक बताया जा रहा है, उसका कह रहा है कि उसके पिता की गाड़ी है और पिता कोई बिजनेस करते हैं। तो अभी तक जो साक्ष्य सामने आया है फिर भी हम लोग वेरीफाई करवा रहे हैं, तो पुलिस का कोई डायरेक्ट मतलब कोई इनका लेन देन नहीं है। हाँ ये जरूर होता है कि अपराधी कई बार अपना आपराधिक करैक्टर को छुपाने के लिए या जो है पुलिस को चकमा देने के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन को चकमा देने के लिए, इट्स वेरी कॉमन कि ये लोग करते हैं ऐसा। अच्छा, मिनिमम सर कितना पैसा लेते थे और मैक्सिमम कितना बताया है? मैंने कहा है कि इनके जो रिकॉर्ड्स हैं और स्पेशली फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं तो उसको बैंक से जब तक हम वेरीफाई नहीं करवाते स्टेटमेंट्स नहीं आती हैं, ठीक है, तो हम उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। नहीं तो वो पूछताछ में नहीं बताएं कि कितना मिनिमम लेते थे कितना मैक्सिमम? मैंने आपको पहले बताया। जाहिर सी बात है कि संदीप सिंह ने बताया है कि जो बिहार में परीक्षाएं होती हैं उसमें स्कॉलर बैठाने का ये लोग काम करते थे और मासूम बच्चों को ठगने का भी वह लोग काम करते थे। 50 से 1 लाख रुपए पर व्यक्ति वह लोग नौकरी दिलाने और उन्हें पास कराने के नाम पर लिया करते थे। अभी खबरों में बस इतना ही, तब तक देखते रहें DHD न्यूज। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर